Hello friends, welcome once again to Health Made Easy. Friends, exercise to improve knee bending की इस सीरीज में पिछले वीडियो में मैंने आपको knee bending को improve करने के लिए एक बहुत ही effective progressive exercise के बारे में बताया था. उम्मीद है आप लोगों ने वो exercise start कर दी होगी and I am sure कि आपको उससे benefit भी मिलेगा. फ्रेंड्स, इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ. ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जिनका घुटना 90 डिग्री तक मुड़ने लग गया है और उन्होंने 90-100 डिग्री की रेंज अचीव कर ली है. फ्रेंड्स, वे लोग जिनका घुटना 90 या 100 डिग्री तक आकर रुक गया है और आगे नहीं मुड़ रहा है, उन लोगों के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है और इससे नी जॉइंट की कम्प्लीट रेंज को अचीव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है. तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज आपको किस तरह से करनी है. आप वीडियो में दिखाए गए पैटर्न के अनुसार नीलिंग पोजीशन में घुटनों पर आराम से बैठ जाएं. अब घुटनों के पीछे दो या तीन पिलो रखकर एक सपोर्ट क्रिएट कर लें. अब बॉडी को पीछे की तरफ पुश करते हुए बॉडी वेट से ही धीरे धीरे घुटने को मोड़ने की कोशिश करें और बॉडी वेट को पिलो पर धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए नी जॉइंट को रिलैक्स कर दें. फिर धीरे धीरे वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं. अब इस पैटर्न को धीरे धीरे कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें. कुछ दिनों के बाद जब आप देखेंगे कि नी जॉइंट की रेंज इम्प्रूव हो रही है तो धीरे धीरे पीछे दो या तीन पिलो से कम करते हुए एक पिलो को हटा दें और इसी एक्सरसाइज को धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहें और इसी तरह प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे सारे पिलो हटा दें. और अब आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपने नी जॉइंट की फुल रेंज को अचीव कर लिया है और आपका घुटना पूरा मुड़ने लग गया है. अब आपकी सारी डेली एक्टिविटीज़ आप आराम से कर पाएंगे और आपको किसी भी काम को करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. सो फ्रेंड्स, आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें और स्टार्टिंग में बॉडी वेट को नॉन फ्रैक्चर्ड नी पर ही ज़्यादा रखें और फ्रैक्चर्ड नी पर कम रखें. धीरे धीरे बॉडी वेट को इक्वली डिवाइड कर दोनों घुटनों पर बराबर शिफ्ट कर दें. सो फ्रेंड्स, आई होप आज का हेल्थ अपडेट आपको पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें. इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद.